हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग में प्रीवियस ईयर एग्जाम से संबंधित प्रश्न, और ऐसे प्रश्न को हम बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया, यदि एच ई एन का कोड जी आई डी एफ एम ओ तो पी आई टी का कोड क्या होगा, यही हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एच ई एन का कोड किस प्रकार जी आई डी एफ एम ओ दिया है, देखिए कैसे दिया है। देखिए क्या एच एच हमारा किस नंबर पड़ता है, आठ नंबर पड़ता है, ठीक है, यच हमारा आठ नंबर पड़ता है, ई हमारा पाँच नंबर पड़ता है, यन हमारा चौदह नंबर पड़ता है, ठीक है। अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर आठ दिया है और पाँच और चौदह, और यहाँ पर क्या दिया है जी आई डी एफ एम ओ, तो देखिए दोस्तों आठ में क्या किया है, आठ में से अगर हम एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा ना, सात होगा, तो सात नंबर पे क्या पड़ता है, जी पड़ता है, ठीक है, जी पड़ता है, देखिए दोस्तों जी आ गया। अब क्या किया है कि आठ में से एक जोड़ दिया है, पहले तो आठ में से एक माइनस किया है तो सात आया है, सात नंबर पे जी आया है, अब आठ में एक जोड़ दिया है, आठ में एक जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा, नौ, और नौ नंबर पर हमारा आता है आई, देखिए दोस्तों जी आई आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया ई, ई हमारा पाँच नंबर पड़ता है, अगर देखिए दोस्तों हम पाँच में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, चार, और चार हमारा किस नंबर पड़ता है, डी नंबर पड़ता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाँच में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, छः, और छः नंबर पर हमारा एफ पड़ता है, ठीक है, तो देखिए क्या आ गया जी आई डी एफ, यब क्या आएगा, देखिए यहाँ पर यन दिया है, यन यानी कि चौदह दिया है, ठीक है, चौदह में से एक माइनस करेंगे, ठीक है, चौदह में से एक माइनस करेंगे तो तेरह बचेगा, और तेरह नंबर पे हमारा क्या आता है, यम आता है, ठीक है, यम आ गया। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, चौदह में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, पंद्रह, और पंद्रह हो जाएगा ना, और पंद्रह हमारा किस नंबर पड़ता है, ओ नंबर पड़ता है, ठीक है, देखिए दोस्तों ओ आ जाएगा, क्या आ गया, देखिए दोस्तों जी आई डी एफ एम ओ आ गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया, पहले एच ई एन को क्या किया, संख्या में कन्वर्ट किया, फिर आठ में से एक माइनस किया तो सात आया, तो सात हमारा जी नंबर पड़ता है, ठीक है, उसी प्रकार आठ में हमने एक जोड़ दिया तो हमारा आई हो गया, ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने इन सबको सॉल्व कर लिया। अब उसी प्रकार पी आई टी का कोड हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों पी, पी और आई और टी, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों पी हमारा 16 नंबर पड़ता है, ठीक है, और आई हमारा 9 नंबर पड़ता है, और टी हमारा 20 नंबर पड़ता है, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है 16, और 16 में से हम एक माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, पहला ओ आ जाएगा, देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में ओ दिया है, बी, बी वाले में ओ दिया है और सी वाले में ओ दिया है, तो और ए और डी ये दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दो ऑप्शन में दिए हों तो अब चलिए दोस्तों इसकी अगली संख्या प्राप्त करते हैं कि कौन से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी में से, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया ओ, ठीक है, अब क्या करेंगे 16 में, ठीक है, एक जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 नंबर क्या पड़ता है, क्यू, क्यू पड़ता है, तो देखिए दोस्तों क्यू आ गया, ओ और क्यू दोनों ऑप्शन में दिया है, ए बी में भी और सी में, ओ और क्यू। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर आई 9 नंबर पे है, ठीक है, तो क्या करेंगे 9 में से एक माइनस करेंगे तो 8, 8 नंबर पे क्या आता है, यच, देखिए दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा यच, देखिए दोस्तों इसमें भी यच दिया है, इसमें भी यच दिया है। अब क्या करेंगे कि 9 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, 10 हो जाएगा, 10 नंबर क्या पड़ता है, जे, 10 नंबर पे हमारा जे पड़ता है, देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ओ क्यू एच जे, किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर एच एस दिया है तो यस हमारा 19 नंबर पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर जे, जे हमारा 10 नंबर पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसे पूरा भी सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या यहाँ पर 20 दिया है, 20 में से अगर माइनस हम एक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 19 नंबर पर हमारा क्या पड़ता है, यस पड़ता है, ठीक है, 19 नंबर पे हमारा यस पड़ता है,
देखिए दोस्तों यस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 नंबर पे क्या पड़ता है, यू पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों मिस प्रिंटिंग हो गया था, यस की जगह यू रहेगा, ठीक है, यस की जगह यू रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया, जी ए आर डी ई एन का कोड एच वी एस हो तो आर ई पी ओ आर टी का कोड क्या होगा, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों जी ए आर डी ई एन का कोड एच वी एस कैसे दिया है, देखिए जी हमारा 7 नंबर पड़ता है, ये हमारा 1 नंबर पड़ता है, ठीक है। तो क्या क्या इन दोनों को आपस में जोड़ेगा, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 8 नंबर पे क्या पड़ता है, यच पड़ता है, ठीक है, क्या पड़ता है, यच पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, देखिए आर और डी, ठीक है, आर और डी, आर हमारा किस नंबर पड़ता है, 18 नंबर पड़ता है, डी हमारा किस नंबर पड़ता है, 4 नंबर पड़ता है, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 22 नंबर पे हमारा वी पड़ता है, ठीक है, 22 नंबर पे हमारा वी पड़ता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर यच आ गया और वी आ गया, अब देखिए ई और एन बचे, ठीक है, ई हमारा 5 नंबर पड़ता है और एन हमारा 14 नंबर पड़ता है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, और 19 नंबर पे क्या पड़ता है, यस पड़ता है। तो देखिए दोस्तों आ गया हमारा एच वी एस, इसका कोड कैसे था, देखिए दोस्तों इन दो दो संख्याओं को आपस में जोड़ता चला गया था तभी ये क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था एच वी एस। उसी प्रकार अब इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आर और ई, ठीक है, आर और ई, यानी कि हमारा आर किस नंबर पड़ता है, 18 नंबर पड़ता है, और ई हमारा 5 नंबर पड़ता है, तो कितना हो जाएगा, 18 और 5 कितना होता है, 23 होता है, ठीक है, 18 और 5 23, तो क्या आ जाएगा, 23 नंबर पे हमारा क्या आता है, डब्लू आता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है डब्लू, ऑप्शन ए में दिया है और डी में, ठीक है, और बी और सी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, इन दोनों में से कौन सा सही होगा यही हमें सॉल्व करना है, डी और ए में से। अब क्या करेंगे, देखिए पी और ओ दिया है, ठीक है, तो पी हमारा नंबर किस पे, 16 नंबर पड़ता है, और पी हमारा 16 नंबर पड़ता है, ओ हमारा 15 नंबर पड़ता है, ठीक है, वो हमारा 15 नंबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि ए बी सी डी में तो 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 31 आ गया, तो देखिए तो 26 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो 26 यानी कि 26 हमारा जेड आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 3, तो क्या किया है, 26 में हम 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31, और 31 5 हमारा किस नंबर पड़ता है, ई नंबर पड़ता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू ई, किस ऑप्शन में दिया डब्ल्यू ई, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर इसके आगे सॉल्व करें तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि हमें एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम ऑप्शन नंबर बी को सही कर लेंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया, यदि P बराबर 7 Y बराबर 7 और ओ एन बराबर 65 हो तो पी आर बराबर क्या होगा, यही हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों पी बराबर 7 कैसे दिया है, देखिए पी हमारा किस नंबर पड़ता है, 16 नंबर पड़ता है, किस नंबर पड़ता है, 16, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, 7 दिया है, तो क्या किया है, 1 और 6 यानी कि इनके बीच में प्लस कर दिया है, तो क्या लिख दिया है, 7 लिख दिया है, यानी कि 16 के बीच में क्या किया दिया है, प्लस कर दिया तो 7 हो गया है, तो इसी प्रकार से P बराबर 7 लिखा है। तो Y देखिए, वो Y हमारा किस नंबर पड़ता है, 25 नंबर पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, 7, तो इनके भी बीच में प्लस कर दिया है तो यहाँ पर हो गया है 7, इन दोनों को जोड़ लिया है तो हो जाएगा 7, ठीक है। उसी प्रकार O N का करेंगे, तो देखिए दोस्तों O हमारा किस नंबर पड़ता है, O हमारा 15 नंबर पड़ता है और N हमारा 14 नंबर पड़ता है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 65 आ जाए, देखिए इनके बीच भी, ठीक है, इनके भी बीच क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, तो हमारा 65 आया है, 5 1 6 हो जाएगा और 4 1 5 हो गया, तो ये ओ एन बराबर 65 आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार पी आर का ज्ञात करेंगे, तो देखिए दोस्तों पी हमारा किस नंबर पड़ता है, 16, पी हमारा 16 नंबर पड़ता है और आर हमारा किस नंबर पड़ता है, 18, ठीक है, तो इनके बीच भी हम प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है, और 8 1 9 हो जाएगा,
तो कितना हो गया दोस्तों 79, कितना हो जाएगा 79। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जी ओ एन ई को 5139 और एन ओ डी ओ एल को क्या लिखा है 31268। देखिए दोस्तों 6 की जगह 1 रहेगा, ठीक है 18 लिखा जाता है, तो एल ओ डी जी ई को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों क्या कहा इनके भाषा में, ठीक है इन दोनों को भाषा में कैसे लिखा है उसी प्रकार इसे भी हम लिखेंगे। तो क्या किया है जी ओ एन ई, ठीक है जी ओ एन ई दिया है, तो क्या किया जी के स्थान पर 5 और ओ के स्थान पर 1 और एन के स्थान पर 3, ई के स्थान पर 9, ठीक है उसी प्रकार इसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है यल, ठीक है यल नंबर पे क्या दिया दोस्तों 8 दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और ओ नंबर पे देखिए दोस्तों इसमें भी 1 दिया है और इन दोनों में भी 1 दिया है, तो क्या आ जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 81 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 81, और ए ऑप्शन तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम टाइम बचाने के लिए इसे सॉल्व कर सकते हैं और हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों डी, डी किस ऑप्शन में पड़ता है, डी हमारा 2, देखिए किसे 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। और जी, जी हमारा देखिए दोस्तों 5वें नंबर पे, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और ये हमारा 9वें नंबर पे है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या गया 81259, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। देखिए दोस्तों 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक विकल्प को हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क हमारा यहीं पर है, ठीक है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को हम बहुत ही आसान से सॉल्व करेंगे मात्र 5 सेकेंड में। कैसे 5 सेकेंड में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है 1CV, ठीक है 5FU9IT और क्वेश्चन मार्क, ठीक है और 17OR, ठीक है कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों क्या किया है, पहले हम संख्या को सॉल्व करते हैं। एक में क्या किया है दोस्तों 4 जोड़ दिया है, तो कितना हो गया 5 हो गया है। एक में 4 जोड़ दिया है तो 5 हो गया है, और 5 में फिर हम 4 जोड़ दिए तो 9 हो गया है, ठीक है यानी कि एक क्या कर रहा है 4 संख्याएँ जोड़ता चला गया है। तो हम 9 में क्या करेंगे, 9 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है और 13 हो जाएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 13 भरा जाएगा, और 13 में हम 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है 13, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 आएगा और यल एस अक्षर आ जाएंगे, ठीक है ये दोनों अक्षर आ जाएंगे, ठीक है तो हम क्या किए यल अक्षर यल एस अक्षर अपने आप आ जाएंगे। क्यों, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑप्शन तो डायरेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है तो हम यहीं पर छोड़ देंगे इसे, ठीक है। अगर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने हैं तो आपको टाइम बचाने होंगे, ठीक है तो क्या करेंगे पहले जो संख्या पहली आ गई तो उसी का हम सही कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5ों प्रश्न आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।